गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू इन प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया था डबल फर्टिलाइजेशन आप पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स फ्लावरिंग प्लांट में तो बाद के इवेंट क्या क्या लगते बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एंडोस्पम्प की डेवलपमेंट होगी सबसे पहले हमने पढ़ा था ना डबल फर्टिलाइजेशन बीच में जो ये दो पोलर न्यूक्लियाई थी वो फ्यूज़ कर गई थी एक सिंगल से और क्या बन गया था प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जिसे हमने एंडोस्पम कहा था तो इसकी डेवलपमेंट पढ़ेंगे पहले इसकी डेवलपमेंट के बाद ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ेंगे फिर फिर ओव्यूल जो है वो सीड में डेवलप होगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में डेवलप होगी ये फोर इवेंट्स आएंगे आपके पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर ठीक है तो हम इसको वन बाय वन करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवेंट ऑफ एंडोस्पम एंडोस्पम का पता चल गया था कल ही ट्रिप्पल फ्यूजन कहा था वो एंडोस्पम कहलाएगा एंडोस्पम क्या होता है एंडोस्पम होता है बेटा जो फूड को जो फूड को स्टोर रखता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को एंडोस्पम का नेचर पता है ट्रिप्लोइड होता है क्यों होता है क्योंकि टू सेंटर पोलर न्यूक्लियाइफ फ्यूज कर जाती है मेलन मेल, मेल के साथ और क्या बना देती है पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जो क्या होता है ट्रिप्लोइड होता है अब ये प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस बेटा बार बार डिवाइड करेगा ठीक है और प्राइमरी एंडोस्पम टिश्यू बना देगा और फिर सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा जब ये बन चुका होगा इसे ही पहले बनाना बनता है ये एम्बरीओ नहीं बनता पहले क्यों क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है अगर ये नहीं बना होगा तो उसे न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करेगा इसीलिए सबसे पहले किसकी डेवलपमेंट होती है एंडोस्पम की और उसके बाद किसकी डेवलपमेंट होती है एम्पीओ की ठीक है तो एंडोस्पम कैसे डेवलप होता है एंडोस्पम एंडोस्पम बेटा डिफरेंट नेचर का होता है स्टार्च भी हो सकता है प्रोटीनियस भी हो सकता है ऑयली भी हो सकता है और बहुत हार्ड भी हो सकता है स्टार्ची एंडोस्पम वीट राइस के अंदर होता है ठीक है और प्रोटीनियस एंडोस्पम मेज के अंदर होता है ऑयली एंडोस्पम कैस्टर कोकोनेट ठीक है और स्टोनी एंडोस्पम बिटल डेट पाल ठीक है जिसकी बहुत हार्ड टफ कवरिंग होती है ठीक है तो प्राइमरी एंडोस्पम न्यूक्लियस जो डेवलप करता है वो किस मेथड से डेवलप करता है पहला मेथड तीन न्यूक्लियस बन गए थे वो थ्री न्यूक्लियाई फ्रीली डिवाइड करती है ऐसे एक के बाद एक एक के बाद एक ऐसे फ्रीली डिवाइड करती है इसमें कोई सेल वाल ले डाउन नहीं करती पहले क्या डिवाइड करती है न्यूक्ली डिवाइड करती है इस तरह से ठीक है और मैंने न्यूक्ली बना देती हैं बहुत सारी न्यूक्ली वाल नहीं आएगी इसमें इसे क्या कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पम की डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आया हुआ है क्या कोकोनेट का वाटर पीते हम ठीक है वो किसकी वजह से फॉर्म हुआ है न्यूक्लियर एंडोस्पम की वजह से ठीक है जो न्यूक्लियाई थी वो फ्रीली डिवाइड की थी इस वजह से बीच के अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया कोकोनेट का न्यूट्रिशियस वाटर ठीक है आफ्टर सम टाइम ये कोकोनेट का जो फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन हुआ था इसमें इस तरह से वो लेट डाउन कर जाएगी इस तरह से ठीक है जिसे क्या कहते हैं सेल्युलर एंडोस्पम ठीक तो जो व्हाइट पार्ट आप खाते हो कोकोनेट का वो कैसे बनाए सेल्युलर एंडोस्पम्प की डेवलपमेंट के दौरान और जो कोकोनट का पानी आप पीते हो वो किसकी वजह से बना है फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन की वजह से तो एंडोस्पम्प का जब फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन करेगा तो बेटा हमें क्या मिलेगा पानी मिलेगा कोकोनट का जो बहुत न्यूट्रिशियस होता है न्यूट्रिशियस क्यों होता है क्योंकि वो एंडोस्पम्प है ठीक है एंडोस्पम की न्यूक्लियाई डिवाइड करिए और जब उसमें वो लिड डाउन कर जाती हैं तो वाइट पार्ट फॉर्म हो जाता है जिसे वाइट ग्रीनल्स बोलते हैं ना ठीक है तो वो सेल्युलर एंडोस्पम है फर्स्ट डेवलपमेंट समझ में आई सेकेंड देखो सेलुलर एंडोस्पम ठीक जब न्यूक्लियाई डिवाइड करेगी इस तरह से ठीक है न्यूक्लियाई डिवाइड की एक से दो बनी और डिवाइड करते ही इनमें इस तरह से वो लेट डाउन कर जाए डिवाइड करते ही ठीक है इस तरह से और पूरे में वो लेट डाउन करेगी वो सेलुलर एंडोस्पम होता है इससे डिफरेंट है कोकोनेट में ठीक कोकोनेट में तो पहले न्यूक्लियाई डिवाइड करती है फिर वो लेट डाउन करती हैं तो ये अलग तरह का एंडोस्पम फॉर्म करता है सेलुलर एंडोस्पम्प और ये वाला जो सेलुलर एंडोस्पम इसमें हाथ के हाथ न्यूक्याई डिवाइड करी वो लेट डाउन करी न्यूक्लियाई डिवाइड करी वो लेट डाउन करी वो सेलुलर एंडोस्पम्प कहलाता है बेटा ठीक है एग्जाम्पल पिटूनिया समझ में आया तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप दव, होकर के क्या बना रहा है एंडोस्पर्म बना रहा है किस बेस पे बना रहा है दो तो फ्री न्यूक्लियरी डिवीजन और सेल्युलर एंडोस्पर्म नेक्स्ट अगर ये एंडोस्पर्म बनाते बनाते अगर ये एंडोस्पर्म बनाते बनाते कंज्यूम हो जाता है एंब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान पूरा कंज्यूम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा हम एग्स एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड ठीक है बनाते बनाते ही ख़त्म हो जाता है तो जैसे कि पी और नट बट अगर ये एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता टोटली कंज्यूम नहीं होता और रह जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बाद भी तो ये अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें सीड जर्मिनेशन में भी ठीक है तो इसको कहती हैं एंडोस्पर्मिक क्योंकि रह गया और क्या कहते हैं एल्ब्यूमिन सीड एग्जाम्पल वीट कैस्टर एक्सेट्रा ठीक समझ में आया तो आज हमने क्या पढ़ा एंडोसपम्प पढ़ा एंडोस्पम्प की डेवलपमेंट पढ़ी जो किस में आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में एंडोस्पम्प का नेचर कैसा होता है ट्रिप्लोइड होता है सेंटर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करके बनता है एंडोस्पम्प की जो डेवलपमेंट होती है वो दो तरह से होती है या तो न्यूक्लियाई फ्रीली डिवाइड कर जाएगी इस तरह से और वैसे वैसे वैसी रह जाएगी वॉल लेट डाउन नहीं करेगी या फिर वॉल लेट डाउन कर जाएगी उसे सेलुलर कहते हैं इसे फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन कहते हैं अगर एंडोस्पॉम रह जाता है कंज्यूम नहीं होता सीड जर्मिनेशन में काम आता है तो उसे एंडोस्पॉमिक सीड कहते हैं और अगर एंडोस्वम पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान ठीक है तो उसे एग्ज एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे समझ में आया कल इसके बाद दूसरा इवेंट आएगा क्या एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बाद ओव्यूल कैसे सीड बनाता है और ओवरी कैसे फ्रूट है